दिनांक 12 फरवरी 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग 68वीं बीपीएससी परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को एक मोबाइल फोन के साथ किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी और मैं आपके साथ सोनू सिंह राजपूत। अब खबरें विस्तार से। दिनांक 12 फरवरी 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 68वीं परीक्षा के अवसर पर परीक्षा को शांतिपूर्ण, स्वच्छ, कदाचार मुक्त कराने हेतु दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी तथा निर्देशित किया गया था कि सभी परीक्षार्थियों पर विशेष ध्यान रखेंगे ताकि परीक्षा को कदाचार मुक्त कराया जा सके। परीक्षा के क्रम में गया कॉलेज गया के केंद्रीय दीक्षा के द्वारा सूचना दिया गया कि केंद्र संख्या 608 गया कॉलेज गया में परीक्षा देने हेतु आई सविता कुमारी क्रमांक संख्या 413477 पिता यमुना पासवान कलहौरा थाना बोध गया जिला गया के पास से एक मोबाइल फोन के साथ किया गिरफ्तार। शेरघाटी और SHO बाराचट्टी के द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंच के इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले में जो अभियुक्त नामजद अभियुक्त है जिसका नाम है विकास कुमार पिता वीरू यादव जो कि बनगुरुआ का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी की गई है और इस मामले में काफी गंभीरता से लिया गया था तथा SDPO शेरघाटी और SHO बाराचट्टी के द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंच के इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले में जो अभियुक्त नामजद अभियुक्त है जिसका नाम है विकास कुमार पिता वीरू यादव जो कि बनगुरुआ का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी की गई है और इस मामले में जो अन्य जो जांच है उसको करा करके इसमें दोषी को कड़ी से सजा दिलाई जाएगी।